पिछले दिनों फ्रांस में मुस्लिमों के पैगंबर के खिलाफ बने कार्टून के विरोध में आज मुस्लिम लीग से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। फ्रांस से शुरू हुए विरोध के सुर आज मुरादाबाद भी पहुंच गए। यहां पर आज मुस्लिम लीग से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। ये लोग अपने हाथों में विरोध स्वरूप एक बड़ा बैनर लिए हुए थे। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मुस्लिम लीग के सह सचिव कौशर हयात खान ने ज्ञापन देने से पूर्व कहा कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर जिस तरह से फ्रांस का साथ दिया वो ठीक नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो भारत के मुस्लिमों के साथ खड़ा होकर अपना विरोध दर्ज कराते। इसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। हमारा प्रदर्शन आज फ्रांस में जिस तरह से फ्रांस की हुकूमत की सरपरस्ती में और खास तौर से फ्रांस की हुकूमत ने खुद पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून बनाकर सरकारी बिल्डिंगों पर प्रदर्शित किए हैं, हमारा उसके खिलाफ गम गुस्सा है और हमारी नाराज़गी है। पूरी दुनिया के अंदर आज फ्रांस के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि ये एक तरह से इंसानियत के खिलाफ एक कदम है। हर पूरी दुनिया के हर देश के अंदर धार्मिक आज़ादी दी गई है, पूरी दुनिया के हर देश में धार्मिक भावनाओं का आदर किया गया है, दूसरे धर्मों के मानने वालों का आदर किया गया है, लेकिन फ्रांस एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ खुलेआम एक जंग छेड़ दी गई है और वो उस जंग में वहाँ की सरकार भी शरीक है, सरकार भी बाकायदा शरीक हुई है। उसका सबसे दूसरा पहलू उसका यह है कि भारत सरकार ने फ्रांस के अंदर जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई उस पर फ्रांस की भारत सरकार की मोदी सरकार ने वो भारत की मोदी सरकार ने फ्रांस की हिमायत करने का ऐलान किया है कि हम आतंकवाद के मामले में फ्रांस के साथ खड़े हैं। लेकिन आतंकवाद क्यों फैला इस पर आज तक मोदी सरकार खामोश है। वो भारत देश जहां खुद ये उसूल मौजूद है कि सर्वधर्म संभाव, सब सारे धर्मों का बराबर आदर किया जाए, सबको धार्मिक आज़ादी हो, उस आदर तो बहुत दूर की बात है। अब भारत सरकार खुलेआम फ्रांस की हुकूमत की आलोचना न करके उसके साथ खड़े होने का ऐलान कर रही है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस ने जो युद्ध एक तरह से अघोषित युद्ध मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ छेड़ा है, भारत सरकार भी उसमें शामिल हो रही है। बड़े अफसोस की बात है, हम इसकी सख्त निंदा करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं हम राष्ट्रपति को आज एक ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि हम भारत के भारत की सरकार की तरफ से फ्रांस की सरकार पर ये जोर डाला जाए कि वो इस पर माफ़ी मांगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि भारत की सरकार फ्रांस की जो हिमायत की है उसको फौरन वापस ले और फ्रांस की सरकार पर ये दबाव डाले कि सर्वधर्म संभाव के तहत सारे धर्मों का बराबर आदर किया जाए और इस तरह की घिनौनी कार्रवाई, गैर इंसानी कार्रवाई, आतंकवादी कार्रवाई ना की जाए।